एक ओवर के बाद हम हमारे मौजूद मेहमान इमरान शाह की इज्जत अफजाई करेंगे. सो बैक टू क्रिकेट नाउ टू ओपनर्स ऑन द मिडल पापा शेख एंड अरकम पटेल. दीज टू आर द ओपनर्स. यू आर वॉचिंग मापोली ट्रॉफी गेम ऑन सिग्नल फ्रॉम अंपायर फारूक बर्डी. इज गोइंग टू बी वकील बॉस. इस टाइम इस आर्डर ना है. देयर इज द फील्डर एंड पापा शेख इज ड्रॉप एंड बॉल इज रिकोशेस टू बाउंड्री फॉर फोर. लकी स्ट्रोक टू पापा शेख एंड फॉर्चून फॉर पापा एंड वकील स्पोर्ट मापोली. Look at that drop by in second attempt the fielder at long on and final Papa gets a life. Wakil Bawaz this time try to cut Bissim outside the off stump. Next match between RD 440 and Sanyukt Sports. Wakil Bawaz this time put away on the onside in vacant area. Glorious flat stroke, 6 runs. Classical stroke player Arkam Patel. Wakil goes to Arkam. This time try to punch close his body. Body is traveling to short point, but with the stroke, batsman threw for one. 1-2 score now. Score was up to 15 for the loss of one wicket. That marks end of the first over, 15 for the loss of one wicket. हमारे बीच में शाहिद ठानवाल साहब पहुंच चुके हैं. आपका इस्तकबाल है. बीच कैफ ठानवाल और शाहिद ठानवाल जुड़ चुके हैं. आपका इस्तकबाल है मापोली ट्रॉफी 2020 में. आइए दोस्तों, हमारे बीच मशहूर पर्सनालिटी इमरान शाह है.
उनके हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। फराज थानवाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान शाह की इज्जत अफजाई करें। फराज थानवाल के दस्ते मुबारक से हम इमरान शाह की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। इस गेंद को अरकम ने मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग पर एक रन। इमरान शाह की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें पुरखलूस ये शॉल गुलाए मोहब्बत और यादगार मोमेंट हो। हमारे बीच में एक खिजर रईस हैं, बहुत मशहूर क्रिकेटर, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। इमरान फराज थानवाल के हाथों से उन्हें मोहब्बतों से पूरे ये शॉल गुलाए मोहब्बत और मोमेंटो। बैक टू क्रिकेट, 16 पे पहुंचा है स्कोर। गेंदबाजी कर रहे हैं अब विष्णु, सामना करेंगे बैट्समैन सचिन यादव। बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर थी, पैर नहीं चले थे, जगह से खड़े खड़े खेलना चाहते थे। बीट बैट्समैन, बीट विकेट कीपर, बाई का इशारा अंपायर का। एक रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा स्कोर। इस बीच अगेन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड, हालांकि बल्ला जरूर चला दिया था अरकम पटेल ने। एक रन से स्कोर। वकी स्पोर्ट मापोली का 18 रन, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। आरडी 4440 के कैप्टन और संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों से रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। इस मरतबा स्विंग कर दिया गया इनको दूर। X1 वॉशिंग पाउडर के अशरफ शेख हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। X1 वॉशिंग पाउडर आपके दागों को मुकम्मल तरीके से साफ करे। और आपको तो पता है, दागों की बात निकली तो मजहर खान, आपको तो पता है कि रुमाल मांग लिया है किसी मई जबीन से, कब तक पसीना पूछते हम आस्तीन से। और ये आंसुओं के दाग है, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल नहीं पाएंगे वॉशिंग मशीन से। लेकिन धुल जाएंगे X1 डिटर्जेंट पाउडर से। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए विष्णु, अच्छा ड्राइव ऑन साइड में डीप मिड विकेट पर, एक रन बनता हुआ स्कोर में। 25 पे पहुंचा है स्कोर 25। आज तापमान काफी चढ़ गया है और मैच का भी तापमान चढ़ता हुआ। विष्णु इस मरतबा अच्छी गेंद, पैर नहीं चल रहे हैं, क्रीज बॉक्स से खेल रहे हैं। वहां पर सचिन यादव ड्राइव करना चाहते थे, कौन बनाते हुए गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। बिल्कुल भाभी सर, हम देख रहे हैं कि सचिन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके पैर काम नहीं करते। जब आपका पैर काम नहीं करता, फुटवर्क काम नहीं करता, तो फिर आपका बल्ला भी काम नहीं करता। वही हम इस वक्त देख रहे हैं, पैर चलते तो रन चलते और रन चलते तो टीमें चलते। इस मरतबा कलाइयों को उपयोग किया, टर्न कर दिया ऑन साइड में, डीप से खिलाड़ी पहुंचे लेकिन दो रन बना लिए सचिन यादव ने। दो ओवर की समाप्ति, रन बने 27, विकेट गिरी है एक। वकी स्पोर्ट मापोली, आरडी 4440 के कैप्टन विनोद पाटिल फैम टीम और संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों को टॉस बॉक्स में आना है। अरबाज पटेल
अरमान जमादार और अमीन खान ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। प्रियान ठानवाल और शाकिर भूरे ने भी वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत ही सुहाना मौसम, हवाएं वादियों से जो बाएं और हमारे है पहाड़ियों के सिलसिले वहां से बहती हुई, सूरज भी चमक रहा है और मापोली ट्रॉफी 2020 की अब सारे देश में सराहना हो रही है। गेंदबाजी के लिए घातक गेंदबाज अरफात डॉन को बुलाया गया है। शहजाद डॉन के शो में अरफात डॉन फैजान शेख ने भी वकी स्पोर्ट को ऑल द बेस्ट कहा है। मुजफ्फर बर्डी मुजस्सिम बर्डी ने भी ऑल द बेस्ट कहा है वकी स्पोर्ट्स को। अरफात डॉन फील्डिंग तुरंत सजाना है। तो ही शेख ने आकाश परिहार को ऑल द बेस्ट कहा है। अरफात डॉन पहली गेंद यॉर्क कराने की कोशिश, छोटी बैकलिफ्ट से टर्न कर दिया अरकम ने, डीप स्क्वायर लेग पर एक रन। अच्छी गेंद थी, विकेटों में रखा था और ऊंचाई से सीधा बल्ले के नीचे आई थी। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 28 पे पहुंचा। ललित और सुनील शिवपुरी वाले ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है वकी स्पोर्ट मापोली को। अरफात इस मरतबा गेंद को तान दिया आसमान में, फील्डर मौजूद है लेकिन देखते रह गए, गेंद मिड विकेट के ऊपर 6 रन। भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, हाई एंड हैंडसम 6 रन। सचिन यादव सामना करे अरफात का, बढ़िया वापसी, विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। दो अच्छी गेंदें एक खराब गेंद। सिटी क्रिकेट का पहला मैच खेल रहे अरफात डॉन और शाबाशी दी इस गेंद पर मिड ऑफ पे खड़े राणा तुंगा ने। इस मरतबा गेंद आसमान में, कोई गलती नहीं और पहला विकेट हासिल करते हुए बीसी फोर सिटी क्रिकेट में अरफात डॉन, पहला ही मैच खेलते हुए पहली ही ओवर में पहला विकेट। और जैन पटेल ने भी वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। अबू वाहिद रबाडा की तरफ से वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट है। ये रबाडा नाम बहुत चल रहा है, हालांकि तेज गेंदबाज है साउथ अफ्रीका के। कल ढोंडा वड़ोली के भी रबाडा आए थे। आरिफ पटेल ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। ओहो बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, आगे खींचा था टिप्पा खाने के बाद कांटा बदला था। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अरफात डॉन। आतिफ पटेल ने ऑल द बेस्ट कहा है वकी स्पोर्ट मापोली को। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए स्विच हिट किया है, फील्डर है, दूसरा विकेट अरफात डॉन का। कमाल का ओवर अरफात डॉन की तरफ से, दो विकेट हासिल कर चुके हैं और देखिए दे टाली पे टाली जबकि अब बाली ट्रॉफी का वक्त है। देखिए मजहर खान ने एक ओवर में सिक्सर लगने के बाद वापसी किया अरफात डॉन ने और सिटी क्रिकेट का पहला कामयाब ओवर किया। उन्होंने 7 रन दिए और 2 विकेट ली। 3 ओवर की समाप्ति वकी स्पोर्ट मापोली का स्कोर है 34 रन।
रविश बॉन्ड का साथ निभाने नए बैट्समैन सरफराज भूरे आए हैं बल्लेबाजी को, और क्या कुछ होगा आपको सुनाएंगे मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। तो तीन ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 34 रन बनाए जबकि 3 विकेटें गिरी है वकी स्पोर्ट्स मापोली की। इस वक्त शाह थानवाल के और फरदीन थानवाल ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। चौथा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज जानू। मुसद्दिक मुल्ला ने भी वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। पहली गेंद वहां पर जानू की, देखना गेंद ऊपर चले गई थी, सेफ लैंडिंग होती भी, उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए वहां पर रविश बॉन्ड ने। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 36 रनों पर। वाकई में गेंदबाज का नाम जानू है और आज के दिन का सबसे अच्छा नाम। इस वक्त मुसद्दिक मुल्ला ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। फुल टॉस गेंद, वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे रविश, 1 रन पूरा किया वहां पर, दूसरे के लिए भी पलट चुके और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए, दो नई बल्लेबाज, 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छी कॉल थी वहां पर सरफराज की दूसरे रन के लिए। एक अच्छा बैट्समैन है वो है जो अपने रन भी भागता है और अपने पार्टनर के रन भी भागता है। इस बार बैट का अंदरूनी सिरा लगा, वहां पर चाइनीज कट लगा था, गेंद जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, नहीं पकड़ पाएंगे, 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। देखिए शॉट तो बहुत खराब था, हालांकि खेलना चाहते थे इन फ्रंट, और जानू की तो मानो विकेट कीपर ने जान निकाल दी जिस तरह ये बाउंड्री दी है। हमारे बीच में इस वक्त अब्दुल रजाक जमर पटेल आ चुके हैं। वेलकम अब्दुल रजाक जमर पटेल, आपका इस्तकबाल है मापोली ट्रॉफी 2020 में। ओनली एंजॉय ग्रुप ने मापोली वकी स्पोर्ट को ऑल द बेस्ट कहा है। इस बार देखना इस गेंद को, खेल दिया है, भेज दिया जानू को झाड़ियों में 6 रनों के लिए। इसे कहते हैं जानू की जान निकालना, बहुत ही करारा शॉट रविश बॉन्ड का, बहुत ही तगड़े हैं और तगड़े स्ट्रोक लगाते हैं। देखिए अब एटीएम शुरू हो गया है कि अब मापोली बाजिल पटेल का पर्दे के पीछे कैच पकड़ेंगे तो 500 रुपए का इनाम। उस दिन उन्होंने ऐलान किया था 15 मिनट में 4 लोगों ने कैच पकड़े थे। क्या स्ट्रोक खेला है वहां पर रविश ने, गेंद कई दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। पर्दे के पीछे कैच लो और कैश लो। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर फ्लाइट दिया था इस गेंद को, नहीं समझ पाए थे बल्लेबाज रविश। अच्छा कमबैक करते हुए जानू, देखिए पिछली गेंद पर सक्सेस लगने के बाद बहुत अच्छा कोण बना रहे। जब राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी होती है तो इयान बॉथम की मिसाल दी जाती है। 1980 के सिल्वर जुबली वानखेड़े टेस्ट मैच में 14 विकेट लिए थे। इस बार फुल टॉस गेंद और देखना ये भी जाएंगी बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त रविश। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं रविश बॉन्ड। आइए दोस्तों एक इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और कीमैन बाजिल पटेल के हाथों से आइए हमारे बीच में मशहूर पर्सनैलिटी जिन्होंने 777 रुपए का चेक हमें हैट्रिक पर दिया है, फराज टानवाल की हम जोरदार इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। उन्हें ये पुरखलूस शॉल बाजिल पटेल ओढ़ा रहे हैं, ये फूलों का गुलदस्ता और ये यादगार मोमेंटो। फराज टानवाल हमारे बीच में, उन्हीं के भाई शाहिद टानवाल है,
आइए अब हम शाहिद ठनवाल की इज्जत अफजाई पधीराई कर रहे हैं, उन्हें वेलकम कर रहे हैं। पुर मोहब्बत ए शॉल, गुलाए मोहब्बत, और ये मोमेंटो उनको दिया जा रहा है बाजिल पटेल की तरफ से। कैफ असलम ठनवाल है हमारे बीच में, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। कैफ असलम ठनवाल की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं बाजिल पटेल के दस्ते मुबारक से, उन्हें ये पुरखलूस शॉल पहनाई जा रही है, उन्हें फूलों का ये गुलदस्ता पेश किया जा रहा है और ये यादगार मोमेंटो। बैक टू क्रिकेट। तो पांचवा ओवर लेकर आए गेंदबाज वकील। इस वक्त अजहर पटेल ने और श्याम खोद ने ऑल द बेस्ट कहा है वकील स्पोर्ट्स मापोली को। मुजाहिद भाबे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। उसी बीच ये गेंद वकील की, वहां पर विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी इस वक्त हम देख रहे हैं वकील की। बिल्कुल 35 साल का जो तजर्बा वकील के पास है उसको यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। इस बार पुल कर दिया है और गेंद जाती हुई बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त सरफराज के बल्ले से। बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन, क्रीज में पीछे चले गए, गेंद को आने दिया था, पुल किया था, हालांकि नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। ये देखिए दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस गेंद के ऊपर भी। अच्छी वापसी करते हुए इस वक्त वकील। सरफराज शेख ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है वकील स्पोर्ट्स मापोली को। इम्तियाज शेख फ्रूट वाले ने भी वकील स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। ऑल इज वेल चलता हुआ। इस बार बोल्ड कर दिया, वहां पर विकेट गिरता हुआ इस वक्त वकील स्पोर्ट्स मापोली का सरफराज के रूप में। बहुत बढ़िया गेंद चलता कर दिया वहां पर सरफराज बुरे को। आइए देखते हैं अनुभव को यूटिलाइज करते हुए। और ये देखिए टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की जानिब गेंद आई थी और गेंद की लाइन के ऊपर खेल बैठे थे सरफराज बुरे। पांचवा ओवर चल रहा है, स्कोर है वकी स्पोर्ट्स का 62 रन और विकेटों को हम देखें तो 4 विकेट। अरफात डोन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की एक ओवर और कुल मिलाकर 7 रन और 2 विकेट, जबकि अरफात डोन को इस वक्त निजामपुरा से लिबास बोटिक ने ऑल द बेस्ट कहा है। अगले बल्लेबाज इस वक्त आसिफ शेख। आते ही साथ वहां पर देखने अपने इरादों को जाहिर करने की कोशिश, कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर आसिफ का, जीवन दान मिलता हुआ दूसरे के लिए। पलट चुके हैं दो नई बल्लेबाज, हाथों में गेंद आई नहीं रही लेकिन 2 रन पूरे कर लिए वहां पर दो नई बल्लेबाजों ने। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 2 रन की मदद से 64 रन। अनगांव से नितेश देसले ने मापोली ट्रॉफी को शुभकामनाएं दी। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 64। दोनों टीमों के कैप्टन, आखिरी ओवर से पहले आपको टॉस बॉक्स में आना है। RD 4440 और संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन, RD 4440 के कैप्टन और संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन। देखना है कि डेथ ओवर में मापोली कितने रन बनाती है। आपका मैसेज सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, वो भी समय रहा तो। नाना स्पोर्ट मापोली के कैप्टन शाही शेख ने रविश बॉन्ड को ऑल द बेस्ट कहा है। लास्ट ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज अंकुर। और आपको पता चाहिए कि टेनिस क्रिकेट में अंकुर सिंह बहुत बड़ा नाम पकड़ा जाता है ओपन क्रिकेट का गेंदबाजी में।
तो 5 ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल बना लिया अब तक वकी स्पोर्ट्स महापुले ने, 64 रन बन चुके हैं। लास्ट ओवर लेकर आते हुए आमिल, अच्छी गेंद वहां पर आमिल की, वाइड यॉर्कर किया था, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की आमिल ने, अच्छी गेंद रही थी वाकई में। पहली गेंद आमिल की कामिल गेंद, एक बार फिर से अच्छी स्ट्रोक वहां पर आता हुआ रविश के बल्ले से, एक रन आएगा इस बार इस गेंद के ऊपर, और स्ट्राइक पर आते हुए आसिफ शेख, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 65 रनों पर। इस वक्त अहमद पटेल, फराज पटेल, मोहम्मद रजा भूड़े और फाइक पटेल ने वकी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। सफल होकर खेलना चाहते थे इस बार आसिफ, देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ, एक रन जरूर पूरा किया है, बाय के रूप में एक रन आता हुआ। ये अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं डेथ ओवर में आमिल की, जहां पर जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। शहबाज ठानवाल ने भी वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है और मापोली ट्रॉफी को मुबारकबाद दी है। इस बार ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर रविश, विकेट गिरता हुआ इस वक्त वकी स्पोर्ट्स मापोली का रविश के रूप में। अच्छी गेंदबाजी हम इस वक्त देखते हुए आमिल की, हवा में स्टेप मार्क आ गए थे वहां पर, फुल टॉस इन द एयर बीट किया था, राउंड लेग्स बोल्ड हो गए रविश बॉन्ड, लेकिन अच्छा टोटल बना लिया है वकी स्पोर्ट्स ने। डेथ ओवर के अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है, जबकि साकिब शेख ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। अगले बल्लेबाज इस वक्त कैस शेख, नितेश पाटिल खूनी ने मापोली ट्रॉफी को शुभकामनाएं दी है, धन्यवाद आपका। इस बार आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट की तरफ गए थे कैस, अच्छी गेंद रही एक बार फिर से आमिल की। अब तक सिर्फ 2 रन खर्च की है आमिल ने और एक बड़ा विकेट हासिल हुआ है उन्हें रविश के रूप में। सऊदी अरबिया से फरजान अब्दुल्ले हमसे जुड़ चुके हैं। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला, वहां पर फुल टॉस गेंद थी, एलिवेशन नहीं बना पाए, सेफ लैंडिंग होती हुई और इसी बीच 2 रन पूरे कर लिए वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। फ्रंट फुट पे थे, यही कारण था कि नो बॉल घोषित नहीं किया है। फरजान अब्दुल्ले ने सऊदी अरबिया से नियाज को ऑल द बेस्ट कहा है। दोस्तों आइए, टॉस होने जा रहा है आरडी 4440 और संयुक्त के बीच में, और आपका अगर सर दर्द होता है तो अच्छा होगा, लेकिन बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए सर दर्द वाले बैट्समैन दीपेश माली जुड़ चुके हैं टॉस बॉक्स में। दीपेश माली आपको शादी की बधाई हो, अभी अभी उनकी शादी का ना आबादी हुई है, और वैभव आइए, 3 पर्सनालिटी को मैं टॉस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, इमरान शाह, फराज ठानवाल और शाहिद ठानवाल साहब। कैफ ठानवाल, और अशफाक सूसे साहब आपको भी आना है टॉस बॉक्स में। 2 महान कैप्टन दीपेश माली, 1 तारीख को शादी के बंधन में बंध गए हैं। आइए अशफाक सुसे साहब, एक्स सरपंच बोरियोली पड़गा, आइए दीपेश, मैं आपको सिक्का बताता चलूं। एक तरफ मापोली ट्रॉफी 2020 मापोली क्रिकेट धमाका जो चल रहा है, और एक तरफ है डैशिंग डायनामिक हैंडसम शहजाद डोन।
पुली ट्रॉफी करना है दीपेश माली का और देखना आया क्या है, आया शहजाद डोने, ये सिक्का बतौर यादगार विनिंग कैप्टन को देना है संयुक्त स्पोर्ट्स के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे इल्तिमास है कि वीआईपी की जिनत को आप दोबाला करें। वैभव कैसा लग रहा है मापोली ट्रॉफी में? बहुत खूबसूरत, हर साल करते हैं और इसके आगे भी इससे ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज करें और हमको यहाँ पर खेलने का मौका दे। मैं इरफान भूरे साहब और मापोली की पूरी जो जनता है और उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मापोली की जनता का आपने शुक्रिया अदा किया, उनका इंटरटेनमेंट करने के लिए टॉस जीता है, क्या करेंगे? हम पहले बैटिंग करेंगे। फैसला ये है ना कि सामने की टीम है और देखा गया कि बड़ी टीमें सेकेंड चेसिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है, कोई और गेम प्लान है? नहीं, गेम प्लान तो वो है, आरडीए का टॉप 16 की अच्छी टीम है और हम उनके साथ सेकेंड बैटिंग करके कुछ प्रेशर नहीं लेना चाहते। कितने रनों तक जाना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, 60-65 प्लस। वैभव आप किस नंबर पे आएंगे? वो तो देखेंगे जिस मैच की सिचुएशन होगी उस। लेकिन कोई तो ऐसा ट्रम्प कार्ड बैट्समैन होगा जिनसे ज़्यादा आप उम्मीद रखते हो? है, निरंजन है, विशाल है, सुनील है, अच्छे हमारे पास 5-6 बैट्समैन है अच्छे जो आपको खेल के दे। तो उम्मीद करेंगे कि अच्छा मैच हो रहा है? ज़रूर अच्छा मैच होगा। ऑल द बेस्ट दीपेश माली, हो सकता है उनकी मिसेज भी इस इंटरव्यू को देख रही हो। पहले तो आपको शादी की शुभकामनाएं। पहले ये बताइए, आप बहुत बड़े कैप्टन भी हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं, ये जो बड़ा शो 3 स्टार ग्रुप ने किया है, इसमें पिछले कई दिनों से आप देख भी रहे होंगे, आए हैं तो कैसा लग रहा है पहला मैच खेल रहे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मापोली में खेलने का मजा ही कुछ और है। और ये बताइए, टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही लेता। आज क्या टीम पूरी ताकत के साथ है या कोई कमो बेशी है? नहीं, पूरी ताकत के साथ है। क्या बात है, मापोली में पूरी टीम और पूरी ताकत के साथ। फील्डिंग करते हुए किरण पाटिल और खासतौर से हिमांशु, इन दो गेंदबाज जो ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है, इनसे क्या अपेक्षा है कि सामने की टीम को कहाँ तक रिस्ट्रिकेट करे? सामने की टीम भी अच्छी है, उसको कम से कम रन रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपेश माली, आपके फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं खासतौर से मापोली में, क्या मैसेज देंगे आज आपकी बल्लेबाजी के लिए? ऊपर आप बल्लेबाजी को आएंगे? जरूर कोशिश करूंगा कि अच्छा खेलने की कोशिश करूंगा बस। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज संयुक्त स्पोर्ट वन द टॉस एंड द इलेक्टेड बैट फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। First ball this time tucking on the onside, nicely played, and with the stroke batsman threw for one. Vishnu off the mark with single, and Caribbean 1-for-9 wicket chasing a target of 69. Is going to be Asif Sheikh. This time soft and drive at cover, Sarfraz is there, meanwhile batsman taken one, both batsmen off the mark with single and Caribbean sport 2-for-9 wicket. Shamroz Khan, Bhivandi, Roy Auto Consulting, all the best for Waki Sport Mapoli. Welcome Shamroz Khan. Here goes Asif Sheikh. He bought this time a lovely looking bowler back drive. Appeal for court, yes, he's out. First on the foot, then taken by Asif Sheikh. Interesting to see in replay, what a wicket claim by Asif Sheikh. So Asif claimed the breakthrough for his side and batsman is out. Vishnu for one, new batsman in Nikhil. 2-for-1 wicket, chasing a huge total of 69. Next match, Sanyukt won the toss, selected bat first. Auja Sheikh, all the best for Waki Sports Mapoli. Asif this time, beautiful ball. Batsman looking for a pulley stroke, drop on his body,
लेग बाय सिग्नल फ्रॉम अंपायर 1-2 इसको ना इसको मोज अप टू 3 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. बैट्समैन टू फॉलो अरफा डोन वन ऑफ द गुड ऑलराउंडर हु बॉल एक्सलेंट 1 ओवर 7 रन्स एंड 2 विकेट्स. अरफा डोन इज वन ऑफ द गुड ऑलराउंडर. हियर गोज आसिफ शेख. बॉल दिस टाइम बलून इन द एयर. That was a sky or well judging. Once more caught and bowled. Second wicket has fallen now. Yes, this is the good captaincy sending Arfad down on 2-down position. He is the one of the good all-rounder, Arfat. Here he go. Right arm over the wicket. Ball this time beauty, rising delivery. And that marks an excellent overturn from Asif Sheikh. Given me only 3 runs and claimed 2 wickets. हमारे बीच मोहतरम अशरफ शेख साहब हैं. आइए उनकी X1 डिटर्जेंट पाउडर के प्रोप्राइटर अशरफ शेख साहब हैं. उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं फराज ठनवाल के हाथों से. आइए अशरफ शेख की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें पुरखलूस ये शॉल पहनाई जा रही है. ये गुलाई मोहब्बत और सम्मान चिन्ह मैन ऑफ द मैच X1 डिटर्जेंट पाउडर. कपड़ों को A1 बनाना है तो X1 डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कीजिए. अशरफ शेख का यही नारा. गेंदबाजी के लिए सरफराज भूरे आए हैं. इस मरतबा अच्छा ड्राइव पैरों के सामने आउटफील्ड में वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खेला. अरफात डोन ने खाता खुला. सही सोच है कप्तान के अरफात डोन को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है. 1 रन से खाता खोलते हुए 4 पे पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे. हालांकि मंजिल काफ़ी दूर है. विनोद कामले और सूरज कामले ने ग्राम पंचायत मापुली और ऑल द बेस्ट वकी स्पोर्ट मापुली को कहा है. अशरफ पटेल ने भी वकी स्पोर्ट मापुली को ऑल द बेस्ट कहा है. सरफराज के गेंद स्विच हिट किया है. इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है. पीछा कर रहे आसिफ जूनियर नहीं रोक पाए. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. हमारे बीच ऑडियंस में कई सत्तार फक्की साहब हैं. हम आपका इस्तकबाल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको VIP डाइस पे आना है. सत्तार फक्की साहब मोस्ट वेलकम. इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश. इनसाइड आउट खेलना चाहते थे बैट्समैन फहीम बीट हो गए. सरफराज भूरे अलीरा स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रहे फहीम के लिए. फिर से स्विच हिट खेला है. बढ़िया फील्डिंग. 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए आसिफ जूनियर ने पैरों के थ्रू. पैर आड़ा दिया था. बहुत तेज शॉट निकला था फहीम के बल्ले से. 1 रन से स्कोर 9 पे पहुंचा है. अब अरफात डोन देखना है जिनको आफाक फारूकी ने ऑल द बेस्ट कहा है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं. उनके पास टैलेंट है ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने के. ओ छोड़ दिया सही फैसला वाइट.
देखना है कि कब अपने बाजुओं को खोलते हैं अरफात डॉन, जबकि परिंदे को बाजू खोलना होती है उड़ान भरने के लिए, बल्लेबाज को बाजुओं को खोलना होता है ऊंचे शॉट्स लगाने के लिए। सरफराज भूरे राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ी थी और आउट हो गए कॉट बिहाइंड अरफात डॉन। मेरी महबूबा 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 बांझ जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूप। बड़ी विकेट हासिल की है सरफराज भूरे ने, अरफात डॉन सस्ते में आउट हो गए और ये विकेट गिरने वाला तीसरा है, जबकि डबल फिगर में स्कोर है 10 रन 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, नए बैट्समैन आमिल आए हैं। शाहजान पटेल और सैफ कुरैशी ने भी वकी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। सरफराज भूरे राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद बल्ले के करीब से चली गई विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद। दो ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 10, विकेटें गिरी 3। मुसद्दिक मुल्ला और उनके लड़के अहमद मुल्ला ने भी वकी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। दूसरी ऑफिशियल वार्निंग वकी स्पोर्ट मापोली को दी जा रही है समय के लिए। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए आसिफ शेख सामना करेंगे फहीम। 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। आसिफ शेख विकटे लेते हैं तो गुच्छों में, रन देते हैं तो गुच्छों में। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अच्छा ड्राइव पैरों के सामने, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग डीप में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 1 रन से 11 पे पहुंचा है स्कोर, बहुत दूर नजर आता है अब लक्ष्य। आने वाले बल्लेबाजों में नियाज मलबारी एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। नियाज मलबारी बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद गई है, 1 रन बनाया, दूसरे की कोशिश है और पूरा किया बैट्समैन ने। एक शॉट का इशारा है अंपायर का, स्कोर 12 रन हुआ है। गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। आसिफ शेख इस मरतबा धीमी गेंद, निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, आसमानी तूफानी सिक्सर। मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। सुंदर मेरा यार। बहुत खूबसूरत शॉट, निकल के मारा था गेंद को, गति परिवर्तन को जल्दी पढ़ लिया था। बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से भी वकी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट है। तेज गेंद और देखना है क्या कुछ हुआ है, ऊपर लगी थी, हालांकि LBW की अपील रही थी वहां पर, अनुमान के कहीं ना कहीं स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी गेंद, हालांकि शफल करके खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। प्राया से मोइन कुंगले ने वकी स्पोर्ट मापोली और मापोली ट्रॉफी को मुबारकबाद दी है। इस मरतबा ड्राइव किया, मिस टाइम स्ट्रोक है, डीप कवर में गेंद गई है, 1 रन बना है, 2 रन बने।
मोइन कुंगले का शो देखना ना भूलिए, जो कि ग्रामीण का शो है राया में, कोकनी कप, जिसमें 24 तारीख को मजहर खान रहेंगे वहां पर, कोकनी कप। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, एक रन। अगला मुकाबला आरडी बनाम संयुक्त स्पोर्ट्स, संयुक्त ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तीन ओवर की समाप्ति, रन बने केवल 21, तीन ओवर में अभी भी काफी रन चाहिए। ये पूरे होंगे या ना होंगे ये बताएंगे मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। तो जो टारगेट है कैरिबियन के सामने वो 69 रनों का टारगेट है, और तीन ओवर में जो अब तक रन बने सिर्फ 21 रन बने, अभी भी बहुत दूर नजर आती हुई कैरिबियन स्पोर्ट्स। तुरंत फील्ड सजाना होगा क्योंकि 12 मिनट अब यहां से बचे हैं दूसरी इनिंग की समाप्ति के लिए। तो गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया वहां से आसिफ जूनियर को। समय के मामले में सहयोग करना है वकी स्पोर्ट्स मापुली। पहली गेंद वहां पर आसिफ जूनियर की, बोल्ड कर दिया बल्लेबाज आमिल को, विकेट गिरता हुआ इस वक्त कैरिबियन स्पोर्ट्स का आमिल के रूप में। आमिल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट इस वक्त गिरा है। तो पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए इस वक्त आसिफ जूनियर। और मुझे अभी भी वो मुकाबला याद आता है भावे सर, जब वकी स्पोर्ट्स मापोली और यूतिका का वो मुकाबला चल रहा था, जहाँ पर लास्ट ओवर में 3 रन चाहिए थे यूतिका स्पोर्ट्स को और वो 3 रन नहीं दिए थे आसिफ जूनियर ने। क्या गेंदबाजी की थी उस मुकाबले में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है उन्होंने। अगले बल्लेबाजी इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी के लिए आरिफ। आरिफ सामना करेंगे वहां पर आसिफ जूनियर का। अब तक 4 विकेट गिर चुकी है कैरिबियन स्पोर्ट्स की, जबकि रन बने हैं सिर्फ 21। उसी बीच देखना है वहां पर सवाल पूछा एम्पायर से, लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, इसको आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 22 रनों पर 4 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 4 का खेल हम इस वक्त देख रहे हैं। पहले ओवर में जा आसिफ शेख ने 3 रन खर्च किए, उसके बाद सरफराज ने 7 रन, और उसके बाद फिर से एक बार आसिफ शेख ने 11 रन खर्च किए। चौथा ओवर चलता हुआ इस वक्त, उसी बीच ही शॉर्ट अंपुर लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, डॉट होती हुई ये गेंद। बहुत देर से फहीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि गेंदें उन्होंने डॉट खेली, भले एक बाउंड्री ज़रूर उन्होंने लगाई है। एक बार फिर से वहाँ पर अच्छी गेंद रही थी आसिफ जूनियर की। इस बार पैरों के सामने इस गेंद को रखा था, फ्लिक कर दिया गेंद को, गैप में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आया इस बार फहीम के बल्ले से, इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 26 रनों पर। ये देखिए किस तरह से ये चौका खेला वहां पर बल्लेबाज फहीम ने, पैरों में रखा था, फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था वहां पर फहीम ने।
इस बार देखना है, चौक करने की कोशिश की वहां पर और आउट हो गए। आरिफ की पारी समाप्त होती हुई इस वक्त रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ कैरिबियन स्पोर्ट्स का ये लगने वाला पांचवा झटका। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त आसिफ जूनियर की, ये देखिए किस तरह से रन आउट हुए वहां पर आरिफ। वाइड यॉर्कर किया था और चॉप कर दिया था इस गेंद को और अपनी फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग करते हुए आसिफ रन आउट होकर इस वक्त वापस जाते हुए उनकी जगह लेने के लिए एक नए बल्लेबाज आते हुए दीपक। उसी बीच देखना है वहां पर बोल्ड हो गए, एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त फाइम की पारी भी समाप्त होती हुई। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, बीच बीच में अच्छे स्ट्रोक जरूर खेल रहे थे लेकिन इस वक्त बोल्ड होकर वापस जाते हुए फहीम एक और विकेट गिरता हुआ कैरिबियन स्पोर्ट्स का पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आती हुई कैरिबियन। तो चार ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो सिर्फ 26 रन बने, 12 गेंदों में रन यहां से जो चाहिए वो 43 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आइए एक सत्कार होने जा रहा है, इज्जत अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच में इस वक्त सत्तार फक्की जी मौजूद है। मैं इमरान शाह से कहूंगा कि अपने दस्त मुबारक से आपको सत्तार फक्की जी की इज्जत अफजाई करनी है। ये देखिए हमारे बीच में इस वक्त सत्तार फक्की जी है, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई इमरान शाह के दस्त मुबारक से। बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार फक्की जी और आए हुए तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ मापोली ट्रॉफी 2020 में। पांचवा ओवर लेकर आते हुए आफ्ताब आफ्ताब खान, पहली गेंद वहां पर आफ्ताब की, देखना शॉर्ट गेंद थी, गेंद जाती हुई नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए। For a strange kind of fashion, near a tree by the river, there's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around. And his mind is. ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, शॉर्ट गेंद थी, उसे हुक करना चाहते थे, बैट का ऊपरी सिरा लगा और नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ गेंद चले गई थी चार रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 30 रनों पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर, फोर्स किया था इस गेंद को और कॉ कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक को खेला था वहां पर दीपक ने, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और मौका भी था वहां पर दर्शक के पास 500 रुपए कमाने का लेकिन छोड़ दी वहां पर बाजी पटेल के 500 रुपए। तो अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं दीपक। एक बार फिर से देखना है, इस बार ऊपर चले गए ये गेंद, पापा शेख गेंद के नीचे, ये कहां कैच छोड़ते हैं, आउट आउट। पारी समाप्त होती हुई इस वक्त दीपक की। तुम तो ठहरे परदेसी। अच्छे स्ट्रोक खेल रहे थे दीपक, अपनी इनिंग में एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाकर वापस लौटते हुए। अब अगले बल्लेबाज इस वक्त नियाज मलबारी। आफताब खान इस बार सामना करेंगे नियाज मलबारी। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर बैकफुट पर गए, कट कर दिया इस गेंद को, सीधा खिलाड़ी के हाथ में वहां पर आउट हो गए इस वक्त नियाज। एक और विकेट गिरता हुआ
तुम क्या लेके आए थे? हैट्रिक पर अब आ गया है गेंदबाज आफताब। अगर हैट्रिक पूरी करते हैं तो फिर इरफान भूरे जी की तरफ से 1,000 रुपये का इनाम और रिस्ट वॉच दिए जाएंगी बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से, और 777 रुपये का इनाम दिया जाएगा फराज थानवाल की तरफ से। आफताब खान इस वक्त हैट्रिक पर सामना करेंगे जानू। अच्छी गेंद रही थी वहां पर आफताब खान की, हैट्रिक पूरी नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त करते हुए आफताब। आफताब एक बार फिर से सामना करेंगे जानू। अच्छी गेंद वहां पर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाते हुए कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, वहां पर सरफराज मौजूद है। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 37 पर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से वहां पर आसिफ जूनियर को बुलाया गया है। आसिफ जूनियर सामना करेंगे जानू। लास्ट ओवर लेकर आते हुए इस वक्त पहली गेंद, वहां पर पैरों में रखा था इस गेंद को और हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में वहां पर जानू ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 38 पर। इस बार सामना करेंगे वकील। फुल टॉस गेंद वहां पर, देखना इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में, वहां पर रविश बॉन्ड मौजूद है, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं आता हुआ इस गेंद के ऊपर। 39 रन पर स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ और ये मुकाबला भी बिल्कुल एक तरफा चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, वाइड यॉर्कर किया था, स्लाइस करना चाहते थे इस गेंद के ऊपर जानू। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त आसिफ जूनियर की, इसके पहले के ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने, जहाँ पर 2 विकेट हासिल की थी और सिर्फ 5 रन खर्च किया था। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया और उसी बीच धीमे कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद जो मुकाबला संयुक्त स्पोर्ट्स और आरडी 4440 के बीच में मुकाबला रहेगा, इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वकील के बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई। आरडी स्पोर्ट्स आपको इस मुकाबले के तुरंत बाद फील्डिंग लगानी होगी। इस बार बोल्ड कर दिया वहां पर, यॉर्कर गेंद थी जिसपे बोल्ड हो गए जानू। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है वकी स्पोर्ट्स मापोली ने। आरडी स्पोर्ट्स आपको तुरंत फील्डिंग लगानी है।
आसिफ जूनियर इज द मैन ऑफ द मैच, 9 रन दिए और 3 विकेट लिए उन्होंने। आसिफ जूनियर आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए, आइए आसिफ जूनियर।